मॉर्निंग, दिस इज राहुल और आप मुझे देख रहे हो ब्लॉग में बिहार पे। सो फाइनली मैं आपको रिवील करने वाला हूँ क्योंकि मैं क्यों जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत दिन से मेरा देखा होगा स्टोरी में कि मैं आसाम आ रहा हूँ, आसाम आ रहा हूँ, आसाम क्यों जा रहा हूँ। एक्चुअली आसाम में है मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं आसाम जा रहा हूँ और इसी सोर्स से आसाम घूमना भी हो जाएगा। सो आसाम को थोड़ा एक्सप्लोर करने का कोशिश भी करेंगे हम लोग। सो अभी जा रहा हूँ मैं अपना ट्रैवल पास लेके अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन। वहाँ से मैं अपना फ्री फेयर का जो टिकट मिलेगा मुझे, वो टिकट काटना है मुझे। सो इसके लिए जा रहा हूँ मैं अलीपुरद्वार। टिकट काटने के टाइम आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप मी लॉग इन। तो गाइस मैं अभी स्टेशन से निकल रहा हूँ, यहाँ से मेरा टिकट काटना हो गया है कम्प्लीट। सो आप देख सकते हो मैं अपने बेस के ऊपर हूँ। हमारा ट्रेन का टिकट हो चुका है कम्प्लीट। चाबी किधर है भाई साहब आप? और ये ट्रेन का ये टिकट काट के अभी बस इंजन में हो गया स्टार्ट। अलीपुरद्वार स्टेशन है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो गाइस। तो कल गया था मैं टिकट काटने के लिए और मेरा दोनों टिकट कंफर्म हो चुका है। मेरे को आने का और जाने का जो दो टिकट मैंने किया है, दोनों में रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है। तो स्लीपर क्लास में मैंने टिकट काटा है। आपको पता ही होगा जो कोई भी रेल का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको फ्री पास मिलता है, तो फ्री पास के द्वारा मैंने फ्री में टिकट मिल गया मुझे। सो प्लानिंग कुछ ऐसा है कि मैं कल निकलूँगा, कल 25th of September है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अ ब्यूटीफुल मोमेंट, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड आई एम इन द वुड, आई एम इन द मिडल ऑफ जंगल, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द फॉरेस्ट एंड वी लव टू सी दिस ऑलवेज। And this place is really a heaven. Thank you guys. Hello guys, finally मैं आपको रिवील करने वाला हूँ, मेरा जो है ट्रेन का टिकट आ चुका है मेरे पास, मेरा हाथ में है। और ये हो गया मेरा टिकट, ये ऊपर वाला जाने का, ये ऊपर वाला आने का, बस भाई और टेंशन नहीं है अपने को। सो कल हम गुवाहाटी के लिए निकल रहे हैं, आपका भाई आपको गुवाहाटी का टूर कराएगा, ठीक है। सो आज इतना ही, थोड़ा सा पैकिंग होगा मेरा, पैकिंग होने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। वीडियो यहीं तक रहेगा, जब तक आसाम नहीं पहुँच रहे तब तक इतना ही वीडियो रहेगा। आसाम पहुँचते ही आपके लिए नया वीडियो रेडी हो जाएगा। सो आप टेंशन मत लीजिए गाइस, मैं आसाम पहुँच के आपके लिए नया वीडियो बनाऊँगा। और रास्ते का थोड़ा बड़ा छोटा सा रील बनेगा या कुछ बनेगा, थोड़ा फोटोग्राफ्स लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।